देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है कि एफिडेविट आखिरकार होता क्या है और ये कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, कितना पैसा लगता है, यानी कि पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो का कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। भाई क्या होता है, सामान्यतः लोगों को किसी न किसी कारण एफिडेविट बनवाना पड़ता है, जिसे हम लोग एफिडेविट को हिंदी में हल्फनामा भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए नोटरी पब्लिक या फिर ओथ कमिश्नर आदि के सामने शपथ ली जाती है और बयान दिया जाता है कि उस बयान को आधिकारिक असिस्टेड करता है। इसके बाद एफिडेविट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि एफिडेविट के द्वारा दिए गए बयान व जानकारी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से जो आपका एफिडेविट है वो बनता है। भाई देखिए, अगर आप एफिडेविट गलत बनवा देते हैं तो IPC धारा 419 तहत आपको जो है वो मुकदमा आपके ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो एफिडेविट गलत नहीं रहना चाहिए। उसके बाद से हम आपको बता दें, एफिडेविट जो है वो आपका 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनता है। ठीक है ना, यानी कि जो आपका स्टाम्प पेपर होता है 10 रुपये का, उस पर फाइनली बनता है। आप एडवोकेट के पास जाकर अपना शपथ लेकर बनवा सकते हैं। भाई क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पे पढ़ाई करने जाते हैं या फिर किसी कारण कोई भी कार्य करने जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो हल्फनामा यानी कि एफिडेविट है वो लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप डिप्लोमा या फिर कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर 1 या फिर 2 साल का आपका गैप है, तो आपको उस गैप को दिखाने के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है। या फिर कोई भी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, किसी कारण वो खो गया है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे आपको एफिडेविट बनवाना यानी कि हल्फनामा बनवाना जरूरी रहता है। ये आपके सरकारी यानी कि गवर्नमेंट वकील या फिर कोई भी वकील आपको फाइनली बनाकर दे देते हैं। इसका जो चार्ज है वो आपका 50 से 100 रुपये लगता है, यानी कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर फाइनली आपका एफिडेविट बनता है। तो इस तरीके से आप अपने तहसील पर एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में।